केंद्र सरकार के खिलाफ हमीरपुर के गांधी चौक पर सिटू कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी वर्कर्स ने धरना दिया। केंद्र सरकार के फैसले 30 नवंबर 2018 के बाद आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने के फैसले पर आंगनबाड़ी वर्कर्स उग्र हो गए हैं, इसीलिए इस फैसले का सिटू विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नदौन मंडल की आंगनबाड़ी वर्कर्स राजकुमारी ने बताया कि आज केंद्र सरकार के जन विरोधी फैसले के खिलाफ धरना दिया गया है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2018 के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इससे लाखों आंगनबाड़ी वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को रेगुलर किया जाए। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमने मतलब जो हमारी परियोजना है उसे 5 ईयर प्लान में मोदी सरकार ने पहले नहीं डाला था। जब हमने 9, 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में हड़ताल की तो उसके साथ बाद जो है मोदी सरकार ने सिर्फ 1 साल का जो टाइम जो है 30 नवंबर 2018 का जो है 1 साल का टाइम दिया है कि इसके बाद जो है आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। और जो खाना हम बच्चों को देते हैं कुपोषण दूर करने के लिए उसका जो पैसा जो है सीधा माताओं के खाते में चला जाएगा। इससे हमारी मतलब लाखों लाख महिलाएं जो है वो मतलब नौकरी से दरकिनार हो जाएंगी और घर बैठ जाएंगी, जो कि हम गरीब परिवार से हैं, हमारी रोजी रोटी का यही साधन है। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस लाखों लाख महिलाओं को जो है मतलब नौकरी जो बरकरार रखते हुए इन्हें जो है जो बाकी स्टेटों में जैसे पेंशन सुविधा ग्रेजुटी और जो 10 मतलब पक्के किए हुए हैं वैसे हम सरकार से मतलब अनुरोध करते हैं कि वो हमें पक्का किया जाए। और जो इस बच्चों का कुपोषण जो माताओं का कुपोषण जो है वो अभी मतलब 40% ही दूर हुआ है। 60% जो महिलाएं जो बच्चे जो हैं वो अभी भी देश में कुपोषित हैं। उस कुपोषण को बरकरार देखते हुए देश के समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए इस योजना को लागू किया जाए। सिटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर व आशा वर्कर्स एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि लाभार्थी का पैसा व पोषण आहार का पैसा माताओं के खाते में आए, इसका सिटू विरोध करता है। उन्होंने बताया कि आज लगभग पूरे प्रदेश में 60 लाख वर्कर्स हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर्स एक दिन की हड़ताल पर है, सांकेतिक हड़ताल पर। मुख्य मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है कि ये लाभार्थियों का पैसा, पोषाहार का पैसा माताओं के खाते में जाए। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि अगर उनके खाते माता के खाते में जाएगा पूरा परिवार खाएगा, उसको पहले भी यही प्रथा थी, उसे कुपोषण दूर नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि भारतीय श्रम सम्मेलन के फैसले अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी बनाना है। 2013 में हो चुका, 16 में हो चुका, परंतु सरकार नहीं कर रही है। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि उसको आप फैसले को लागू करो। और दूसरा, हरियाणा की तर्ज पर जो है 8,500-4,500 रुपये लागू करो, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर्स को न्यूनतम वेतन दो, ये हमारी मांग है। ये मुख्य मांग है। अगर सरकार नहीं मानती तो आंदोलन और बढ़ेगा आगे। आज पूरे देश में लाखों वर्कर जो है, तकरीबन 60 लाख वर्कर जो है हड़ताल पर है। तो रोना शुरू कर दिया, पैसा नहीं है, ये नहीं है, मिलेंगे उनसे 5-10 दिन के बाद।